सो हे गाइज, एम आर मोजकी हेयर। तो सबसे पहले गाइज, आज के इस वीडियो में अपन 15 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। होप कि गाइज आप लोग इस टारगेट को पूरा कर दोगे। तो चलिए गाइज अपनी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज ये अपडेट है घातक गेमिंग की ओर से। गाइज घातक गेमिंग ने अपने चैनल पर Q&A वीडियो अपलोड की अबाउट पबजी मोबाइल बैटल ग्राउंड इंडिया, एंड उनमें उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, जैसे कि क्या किसी हम अदर कंट्री के प्लेयर के साथ खेल सकते हैं या नहीं, एंड इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाले हैं, एंड साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि क्या हमारी पुरानी अकाउंट वापस आएगी या नहीं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं आपको उस वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। दूसरा जो सबसे सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन था भाई, बहुत सब लोगों को टेंशन रहता है ना कि भाई इन्वेस्टमेंट गया है बहुत सारा, अपना जो ओल्ड अकाउंट था वो उसका क्या होगा, उसमें जो हमारी इन्वेंटरी थी जो भी था आपका, तो उनके लिए खुशखबर है, जो भी जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको वैसे के वैसे मिल जाएगी। तो चिल करो, एंजॉय करो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। तो गाइज ये अपडेट है फ्लाइंग बीस्ट की ओर से। तो गाइज फ्लाइंग बीस्ट की ओर से गुड न्यूज आई है, एंड उन्होंने बोला है कि उनकी बीवी प्रेग्नेंट है। तो आगे आप खुद देखिए उन्होंने क्या कहा। सम अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि कमेंट सेक्शन में रोज आने लगता है, तो कह दिया कोई फायदा नहीं, लोगों को पता चली है। तो रशी अनाउंसमेंट आप करोगे कि मम्मा करेंगी? मैं करो फिर। तो चलिए गाइज अब अपनी अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज ये अपडेट है न्यूज बॉय की ओर से। गाइज आप देखते होंगे कि 4-5 डेज से न्यूज बॉय अपने चैनल पर एक भी वीडियो नहीं अपलोड की है, बिकॉज ऑफ ही इज वेरी बैडली इंजर्ड। गाइज उनकी एक्सीडेंट हो गई है उनकी स्कूटी से उनके घर के ही पास में, गाइज जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, एंड उनके तरफ से कोई भी ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी नहीं आई है। बट गाइज दिनेश टॉक यूट्यूब चैनल ने उनके घर पे कॉल किया, तो उनकी मदर ने ये कन्फर्म किया कि हाँ उसकी एक्सीडेंट हुई है। तो आगे आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। नहीं हुई, तो ये चीज देखने के बाद मैंने तुरंत फोन लगाया और अभी मेरी बात हो चुकी है। तो ये न्यूज रियल है और उनका एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटी से हुआ था, अपने आसपास घर के आसपास उनका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद अभी वो अस्पताल में है, वहां पर उनके कुछ ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो ठीक है और रेस्ट पोजिशन में है, बात नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर मेरी उनकी मदर से बात हुई है, इसके आगे अभी फिलहाल अपडेट नहीं है, आगे कुछ और होती है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तो चलिए अब अपनी अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये अपडेट है एमवी बंटाई के बारे में। एमवी बंटाई ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा 1 day to go मचाएंगे 3। तो गाइस उनकी मचाएंगे 3 ट्रैक आने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेहा कक्कर के बारे में। तो गाइज नेहा कक्कर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एल्बम की एक पोस्टर पोस्ट की है। एल्बम का नाम है गाइज खड तेनू मैं दस्सा, एंड गाइज ये 18 May को आएगी देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे। तो चलिए गाइज अब अपनी अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज अभी आप देख रहे हो कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग वाले सेक्शन को हटा करके शॉर्ट को जोड़ दिया गया है, एंड इसी को लेकर के यूट्यूब को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर विरोध भी जताया है। तो गाइज आशीष चंचलानी ने भी यूट्यूब को पोक करते हुए अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा वेटिंग फॉर शॉर्ट वीडियो सेक्शन ऑन ट्विटर लिंक्डइन टिंडर जोमेटो एज वेल एज ऑन माय कैलकुलेटर। सो गाइज आप क्या सोचते हो शॉर्ट सेक्शन के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ गाइज 15 लाइक्स का टारगेट यार जरूर से पूरा करवा देना।